नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। मैं इंडिया के नंबर वन चैनल वाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं, पार्ट ऑफ फन अकेडमी। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, वाईफाई स्टडी ने दो चैनल अभी अभी लॉन्च किए, वाईफाई स्टडी डिफेंस और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट नाम से। तो आप कभी भी उनका लाइव टेस्ट दे सकते हो। और जो एनडीए सीडीए और नेवी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी चैनल है। तो बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बहुत गजब तरीके से आप पढ़ सकते हो, है ना दोस्तों। तो फटाफट से बिल्कुल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत अच्छी तरह आप पढ़ाई कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों, हम बात कर रहे थे, आप सभी को बता दूं कि आयादि संधि हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले आपको दो तीन चीजें मैं बता देता हूं दोस्तों। आपकी रिट के एग्जाम 2 सितंबर को होने की पूरी पूरी संभावना, अगर लॉकडाउन 3 मई को हट जाता है तो बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हो ना। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो और नए आयाम आप दे सकते हो। दोस्तों बात करते हैं आयादि संधि की। कल यण संधि मैंने लास्ट में आपको पढ़ाती थी और स्वर संधि का लास्ट पार्ट चल रहा है जिसमें आयादि संधि, इसके बाद हम व्यंजन संधि। अगर परिभाषा की हम बात करते हैं तो प्रथम पद में ए हो, द्वितीय पद में अई हो और ओ हो और औ हो। दोस्तों अगर ये होता है और इनके जस्ट बाद में, आगे परिभाषा में कहा गया है इसके जस्ट बाद में कोई भी असमान स्वर हो, दोस्तों कोई भी क्या हो, असमान स्वर हो, तो ध्यान रखना है। एका तो दोस्तों यहाँ पर हो जाता है आपका ए हो जाता है, आई जो है इसका यहाँ पर आय हो जाता है, ओ जो है इसका औ हो जाता है और औ जो है इसका आव हो जाता है। ये बात आपको परिभाषा सिखाती है, लेकिन आपको बहुत ही जेन्युइन तरीके से मैं बताता हूं इसको आपको करना कैसे, किस प्रकार से इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आप कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये मान लो ये रास्ता है और इस रास्ते पर ये आपकी मंजिल है और यहां से आप चल रहे हो, ये भीड़ जा रही है और ये रिट है, मान लो ये रिट लिख दी मैंने यहाँ पर आपके लिए और ये भीड़ यहाँ से ही गुजर रही है। अब मान लो दुनिया यहाँ पहुंच गई और तुम यहाँ रह गए, अब इस रास्ते में आप क्या करोगे? तो अभी ये मत कहना गुरुजी हम इधर से चले जाएंगे, कोई कहेगा गुरुजी इधर से चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जीवन का कंसेप्ट ये कहता है कि बार बार उसी रास्ते पर चलने से अगर आपको सफलताएं नहीं मिलती है विद्यार्थियों, तो आपको रास्ता बदल लेना चाहिए। ये नियम कहता है कि आप उस रास्ते को बदल लीजिए, हो सकता है सफलताएं मिल जाए। भाई मछली को आपने देखा होगा तो मछली कभी भी सीधे जल नहीं चलती है, उल्टे जल मछली चढ़े, हमेशा विपरीत तरीके से मछली चलती है। तो हमेशा फॉलो, हमेशा उल्टा काम कीजिएगा, सफलताएं जरूर मिलेगी, है ना। और एक बहुत बड़े कवि ने एक बात कही है, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चित मंजिल पाते हैं, माना दूर किनारा है सागर ने ललकारा। तो ये सारी चीजें सुननी होती है, बिल्कुल आपको चलना कैसे ये चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। देखो दोस्तों, चलना ऐसे है, अगर आप कभी भी, अगर मान लो आपके सामने, देखो ध्यान से देखना है, ये नयन शब्द है। अब बच्चों, और दुनिया की सबसे खतरनाक चीज भी आंखें ही होती है, यन में तो यहाँ पर क्या है बच्चों, अन है। यहाँ निकाल लोगे, यहां तक मजा, मुझे एक बार फटाफट से यस या नो में जवाब दी, यहां तक निकाल लोगे, यन में से अन निकाल लो। अब दोस्तों ये के बाद में न बच गया और न का मतलब है ए, न का मतलब क्या है ए, ए का मतलब है कि ये के बाद में अगर ए हो तो दोस्तों उस शब्द के ऊपर ये मात्रा लगा दो, कभी संधि विच्छेद गलत नहीं होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन। बात समझ में आ गई ना, ए हो तो एक की मात्रा। ऐसे ही मान लो बच्चों ये शब्द आपके पास आ जाए, नायक शब्द क्या आ जाए, नायक आ जाए, तो यक में तो क्या है बच्चों यहाँ पर आपके लिए अक है। अब यहाँ पर ये के बाद में ना, ना का मतलब आ, तो आ जाए, तो देखो ये के बाद में कोने में देखो बच्चों ए है तो ये मात्रा और आ है तो ये मात्रा लगा दो, कभी आपका संधि विच्छेद गलत नहीं होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा ने प्लस अक, क्योंकि आ था। बात समझ में आ गई ना। और देखो बच्चों, मान लो यहां आपके सामने शब्द आए पवन, शब्द क्या है पवन, अब वन में तो क्या है बच्चों अन है, ठीक है ना, अब वे के बाद में पै, पै के बाद में ए, तो देखो दोस्तों वे के बाद में अगर ए हो तो ये मात्रा और वे के बाद में अगर आ हो
तो ये मात्रा लगा देना, कभी गलत नहीं होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। ऐसे ही शब्द आए पावक आ जाए आपके पास में, तो दोस्तों क्या करना है, वक में से तो अक निकाल लो, वक के बाद में आ है तो दो मात्रा, तो इसका पो प्लस अक हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, फटाफट से बताओ भाई। अब बात को ध्यान से समझो, जो बात मैं कह रहा हूं वो ही बात परिभाषा कह रही है, लेकिन हम दोनों का कहने का जो अंदाज है वो अलग अलग है दोस्तों, अंदाज अपना अपना। तो देखो अंदाज अलग अलग कैसे, वो चीजें सीखो। परिभाषा, जो बात मैं कह रहा हूं वही बात परिभाषा कह रही है, आप ढंग से देख नहीं पाए परिभाषा की चीज को। देखो इधर, ये के बाद में ए तो ये, तो इसका मतलब यही तो मात्रा हुई। ये के बाद में आ तो ये, तो इसका मतलब यही तो हुई। वे के बाद में है तो इसका मतलब ये मात्रा, और वे के बाद में आ तो इसका मतलब ये मात्रा हो। बोलो यस या नो भाई, फटाफट से बताओ चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, चीजें क्लियर है भाई। तो वही चीजें हैं कि हमें कैसे करना है, इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आपको दो शब्द देखना है, मैंने कह दिया ये और वह देखना है। अगर ए और आ हो तो ए और ऐ की मात्रा, अगर इधर ए और आ हो तो ओ और औ की मात्रा लगा दो, आपका संधि विच्छेद कभी गलत नहीं होगा। तो मुझे एक बार यहां तक बता दीजिए कि मामला क्लियर है या नहीं है, फटाफट से बताओ भाई। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गजब गजब, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, थम्स अप करके बताओ मुझे एक बार कि गुरुजी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो उदाहरण करवाओ, हम बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें कर लेंगे। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, अब क्लियर है ना, मामला सही है ना, बताओ मुझे एक बार फटाफट से कि हाँ गुरुजी अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बहुत अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे और बहुत अच्छा हम कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं परिभाषा भी चलता हूँ, मुझे एक बार फटाफट संतुष्टि के लिए बता दो कि हाँ गुरुजी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। चलो अब मैं चलता हूं उदाहरणों पे। आ जाओ बच्चों, इधर लिखो बच्चों, विनायक विधायक गवेषणा पवन है। आगे है पावक धावक, ऐसे ही नायक हो गया, फिर आपका गायक हो गया, ठीक है ना, फिर गायिका हो गई, ठीक है, आव हो गया, आवी हो गया, फिर आपका भवन हो गया, पावक हो गया, धावक हो गया, दायक हो गया, नायिका हो गई, शयन हो गया, श्रावक हो गया। ये लो साहब, ये उदाहरण है, मैंने आपको दो ही शब्द बताए दोस्तों, दोनों शब्दों पर ही आपको नजर रखनी है और वहीं से शब्द को करना है, बस सार्थक सार्थक का आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें जैसे मैंने सिखाई थी वैसे करोगे तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा दिक्कतें आती रहती है, उसे घबराना नहीं है, सारी चीजें वही होती है, बाकी आप चीजों को फॉलो करोगे तो सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना, क्लियर कट रहेगी, आप बिल्कुल ध्यान से जेन्युइन तरीके से चीजों को करते रहो, ठीक है ना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलते हैं दोस्तों और पहले शब्द के ऊपर नजर डालते हैं हम, और पहला जो शब्द है विनायक है, तो इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों, और इसका संधि विच्छेद होगा विनय प्लस अक होगा, शाबाश वेरी गुड। विधायक का क्या होगा बच्चों, इसका होगा विधेय प्लस अक होगा, शाबाश। गवेषणा, ये हर एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, तो इसका होगा गो प्लस एषणा, क्या होगा गो प्लस एषणा। पवित्रता का होगा दोस्तों पो प्लस इत्र होगा।
पवन का होगा दोस्तों पो प्लस अन होगा इसका, है ना, पो प्लस अन होगा। ऐसे ही पावक है तो इसका होगा पो प्लस अक हो जाएगा पावक। धावक का क्या हो जाएगा दोस्तों, धो प्लस अक हो जाएगा धावक। नायक का हो जाएगा नय प्लस अक हो जाएगा नायक। गायक का यहाँ पर होगा गय प्लस अक हो जाएगा गायक। गायिका का यहाँ पर गय प्लस इका हो जाएगी गायिका। ओ का हो जाएगा ओ प्लस ए हो जाएगा। आवी का यहाँ पर ओ प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बोलो बच्चों, फटाफट से बताओ, क्लियर है ना मामला यहाँ तक? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही भवन का यहाँ पर होगा दोस्तों भो प्लस अन हो जाएगा भवन। पावक का यहाँ पर पो प्लस अक हो जाएगा। अच्छा, दो बार आ गया क्या? धावक कर लो चलो बच्चों। धावक का दो प्लस अक होगा धावक। दायक का यहाँ पर दय प्लस अक हो जाएगा। नायिका का यहाँ पर बच्चों नय प्लस इका हो जाएगा। शयन का यहाँ पर बच्चों से प्लस अन हो जाएगा। और श्रावक का यहाँ पर श्रो प्लस अक हो जाएगा। तो ये बात मुझे आप एक बार थम्सअप करके बता दो कि गुरुजी एक भी गलत नहीं है। मैंने जो बात कही थी बस उसको आपको फॉलो करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। फॉलो क्या करना है, समझ गए ना आप? बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप चीजों को करते रहोगे तो सारी चीजें बच्चों बिल्कुल क्लियर रहेगी आपकी। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको करना कुछ नहीं है, मैं जो बात कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपको दो शब्द देखने हैं, ये और वह। हर संधि में दो ही शब्द आए हैं दोस्तों, ये और वह शब्द आया है, और यही से सारी चीजें आपको क्लियर करनी है और इसी को यहाँ पर आगे बढ़ाना है। बस आपको चीजें समझ जाओ, एक बार चीजें सीख गए ना आप तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। बस चीजों को सीखना है कि ऐसा कैसे होता है और किस प्रकार हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार मुझे थम्सअप करके बता दो, इस प्रकार से हमारे स्वर संधि का जो सफर था दोस्तों वो थमसा गया है, वो समाप्त हो चुका है। स्वर संधि के जो पांचों भेद थे वो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है और बहुत ही क्लियरिटी के साथ सारी चीजें क्लियर की है। ठीक है ना, मतलब सारी चीजें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ पढ़ाइए भाई। अ तो वहां पर दीर्घ संधि करनी है, गुण संधि का सूत्र आ रहा है, एक ओ भी गुण चो वृद्धि संधि का है, एक वृद्ध औरत ऐनक लगाती है, यण संधि का है, यह मेरा लवन नहीं यवर है, और अयादि संधि का इस प्रकार से करना है। बात समझ गए क्या? शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली संधि यहाँ पर डालते हैं हम, व्यंजन संधि करते हैं दोस्तों। कौन सी संधि भाई? व्यंजन संधि पर बात करते हैं। तो टॉपिक डालो व्यंजन संधि। इससे पहले दो चीजें आपको सीखनी होगी दोस्तों, तभी आप व्यंजन संधि सीख सकते हो। देखिए बच्चों, एक तो होता है क और एक होता है गय। अब मुझे ये बताइए उच्चारण की दृष्टि से दोनों शब्दों में क्या फर्क है? उच्चारण की दृष्टि से मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों शब्दों में क्या फर्क है? फटाफट से बताइए, उच्चारण की दृष्टि से इन दोनों में क्या फर्क है? मतलब क्या चीजें बिल्कुल सिमिलर चल रही है, क्या चीजें बहुत बेस्ट तरीके से कर रही है, बताइए दोस्तों फटाफट से मुझे। तो देखिए आप ये मत कहना गुरुजी एक पहला है, एक तीसरा है, एक क्या है, एक नहीं। बेटा इसको बोलोगे कुछ नहीं होगा, इसको बोलोगे गले में गूंज पैदा होगी। तो ये बात किसके आधार पर है? ये बात है गूंज या नाद के आधार पर। गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के भेद, ये टॉपिक डाल लो, फिर मैं आपको व्यंजन संधि बहुत अच्छे गूंज या नाद के आधार वर्णों के भेद, फिर उसको अपन बहुत अच्छा पढ़ेंगे दोस्तों, फिर स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिसमें गूंज पैदा होती है उसको तो कहते हैं विद्यार्थियों सघोष, और जिसमें नहीं होता है उसको कहते हैं अघोष। ठीक है, नाम से समझ जाओ, जिसमें गूंज पैदा होती है उसे सघोष कहते हैं, जिसमें नहीं होती उसे अघोष कहते हैं। अब आप इतने सारे वर्ण होते हैं तो किस किस का पता लगाओगे कि कौन सा घोष है कौन सा अघोष है? लेकिन दोस्तों अपन डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, मैं आपको दो लाइनें बता रहा हूं, आपको परिभाषा के अंतर्गत बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। देखो कैसे, और इसका ट्रिक याद रखना है, मेरे यार
चार पांच स्वर और आगे लिखना है य र ल व है घोष है। क्या याद रखना है दोस्तों मेरे यार, तीन चार पांच स्वर य र ल व है घोष है, बस ये लाइन याद रखनी है। अभी तीन चार पांच क्या है घ घ अण है, ऐसे ही झ झ अण है, ऐसे ही ढ ढ अण है, ऐसे ही ध ध न है, भ भ और म है। तो दोस्तों 15 तो ये हो गए, अब स्वर कितने हैं 11 और 11 स्वर और 5 ये, तो 15 और 11 26 और 5 31, तो सघोष वर्णों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई दोस्तों 31 हो गई है। बताइए सघोष वर्णों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई बच्चों 31 हो गई है। अब बच्चों 31 का उल्टा क्या होता है 13, तो अघोष की ट्रिक होती है 1 2 श स स, क्या याद रखना दोस्तों 1 2 स श श। अब 1 2 कौन कौन से देखो, क ख ठीक है ना, च छ, ट ठ, त थ और प और फ, तो 5 2 10 और 3 13, तो दोस्तों सघोष वर्णों की संख्या 31, 31 का उल्टा होता है 13। तो बिल्कुल आपको ये दोनों चीजें याद रख रही है, पूरी व्यंजन संधि मैं आपके क्लियर करवा दूंगा। तो दोस्तों याद रहे गूंज या नाद याद, आप तो दो शब्द याद रख लो सघोष और अघोष, जिनमें गूंज पैदा होती है उन्हें सघोष कहते हैं, जिनमें नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं। सघोष की संख्या 31 होती है, अघोष की संख्या 13 होती है, 31 का उल्टा 13, 13 का उल्टा 31। बोलो बच्चों यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, फटाफट से मुझे बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़े और नेक्स्ट आप टॉपिक डालो व्यंजन संधि। अब दोस्तों व्यंजन संधि पर बात करेंगे, इसके 12-13 नियम में आपको पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत ही गजब तरीके से। तो टॉपिक डाल लो दोस्तों आप व्यंजन संधि डाल लीजिएगा, और व्यंजन संधि आप जैसे टॉपिक डालते हो तो इसकी परिभाषा के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बात रखनी याद रखनी है, प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता है, प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है स्वर। तो दोस्तों परिभाषा लिख लो, व्यंजनों का व्यंजनों से या स्वरों से, व्यंजनों का व्यंजनों से या स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। याद रहे दोस्तों व्यंजनों का व्यंजनों से या स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। तो दोस्तों ये परिभाषा थी, और बिल्कुल इसी परिभाषा के साथ हम जस्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, कल से हम नियम पढ़ेंगे बहुत ही गजब तरीके से। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, आप अगर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वाईफाई रिट अपना कोड है, वाईफाई रिट कोड लगाकर आप मेरी शिक्षण मेथड की क्लासे, राजेंद्र सर की क्लासे, प्रवीण सर की क्लासे, सभी जितने भी क्लासे अनअकैडमी प्लस पे चल रही वो सारी क्लासे आप देख सकते हो, साथ में इंडिया के टॉपमोस्ट जो एजुकेटर है उनसे भी आप पढ़ सकते हो। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, इस मौके को जाना नहीं, सारे मुकेश सर, ओपी सर, संस्कृत मेथड फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल की सारी क्लासे आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, तो चलते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके और सभी को फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।